नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक स्पेशल लीव पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत कर्मचारियों के निजी खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी, जिससे किसी भी रेलकर्मी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के GM अनंत प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी GM लेफ्टिनेंट शशिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के चलते बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर है, तो उस स्थिति में उसे स्पेशल कैजुअल लीव यानी स्पेशल CL दी जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान स्वयं को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेता है, तो उसे भी स्पेशल CL का लाभ मिलेगा। अलवर जिले के रामगढ़ में 22 साल की एक लड़की की नरसंहार हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। रामगढ़ थाना पुलिस के अनुसार आरोपी लड़की का पहले से परिचित बताया जा रहा है। पुलिस ने राहुल नामक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार हत्यारों ने युवती का शव सुनसान स्थान पर फेंक दिया था। जयपुर के जालूपुरा इलाके में एक युवती से पूजा पाठ के बहाने 1.5 लाख रुपए ठगी करने वाले बाबा को जालूपुरा थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शमशाद दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बचन प्लाजा में ऑफिस खोलकर घरेलू समस्याओं के समाधान के नाम पर लोगों ने ठगी करता रहा। कुछ दिनों पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई कि और आरोपी फरार हो गया, जिससे मामले की जाँच करके दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र में 2 बहनों को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे एक बहन की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आमेट के सेलागुडा की भील बस्ती में रहने वाले एक परिवार की 2 बहनों को रात्रि के समय जहरीले जानवर ने काट लिया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक बहन की मौत हो गई जबकि एक गंभीर है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी पुलिस ने 1.5 करोड़ की अफीम से 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बाइकों पर सवार गोपाल लाल धाकर, केशुराम बंजारा व पिंटू बंजारा की नाकाबंदी के दौरान तलाशी ली गई, तो इनके कब्जे से लगभग 30 किलो अफीम बरामद हुई, जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है। उदयपुर जिले के मावली विधानसभा क्षेत्र के वालरा पंचायत समिति के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को छेड़ा करता था और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया करता था। इसी से परेशान होकर स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने टीचर की डंडे से धुनाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहाँ मौजूद छात्रा ने भाई के अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रा का कहना है कि टीचर द्वारा लंबे समय से उसे फ्रेंडशिप के लिए परेशान किया जा रहा था, ऐसे में परेशान होकर आज उसने इस कदम को उठाया। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टीचर छात्रा से माफ़ी मांग रहा है। लोग इस शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक और आरोपी राजू को गिरफ्तार किया है। राजू बिजली फिटिंग का काम करता है और इसने मुख्य आरोपी सुनीता वर्मा के घर में बिजली का काम किया था। काम की मजदूरी के बकाया 2000 रुपये मांगने पर सुनीता वर्मा ने इस बालिका को उसके हवाले कर दिया और हिसाब चुकता कर लिया। बाद में राजू ने बालिका को होटल स्वागत में ले जाकर उसका देह शोषण किया था। मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा, दूसरा सुनीता का साथी हीरालाल मीना, तीसरा जिला उद्योग केंद्र का कर्मचारी संदीप शर्मा, चौथा कलेक्टर कार्यालय का चपरासी शोराज मीना और अब 5वीं गिरफ्तारी राजूलाल रैगर की हुई है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में सुरानगला पंचायत के सेरावाला गांव निवासी दंपति ने अनास नदी में कूदने की सूचना पर दिनभर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अनास नदी में दंपति की तलाश में जुटे रहे। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी जब दंपति का पता नहीं चला, तो बांसवाड़ा SDRF टीम को घटना की जानकारी दी। इसी दौरान दिन में करीब 3 बजे पता चला कि दंपति पास ही सिंघाड़ों का पाड़ा गाँव में अपने साढ़ू के घर में सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार अनास नदी पुल पर लावारिस बाइक और बाइक से कुछ दूरी पर 2 चप्पलों की जोड़ियां पड़ी थी, जिसे देख वहां से गुजर रहे लोगों ने अनास नदी में किसी के कूदने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। बांसवाड़ा शहर की मुस्लिम कॉलोनी में प्रेस करने के दौरान करंट लगने से एक गर्भवती की मौत हो गई। हादसा मुस्लिम कॉलोनी के मेसर जहां नाम की महिला से हुआ।
मेसर जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली थी और पति मोहम्मद नाजिम के साथ बांसवाड़ा में रहती थी। मुस्लिम कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। आहत पति मोहम्मद नाजिम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सुबह वह दुकान जाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो देखा कि पत्नी के हाथ में शर्ट थी और स्त्री जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने महिला को चाकू से वार कर घायल कर दिया। हमलावर ने महिला के चेहरे पर चाकू से 3-4 वार किए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह घटना वार्ड नंबर 2 की अहिरवाटी मोहल्ले की है। बीती रात महिला कमरे में अकेली सो रही थी, उसी दौरान अज्ञात ने उस पर हमला कर दिया। परिजनों ने महिला को CHC में भर्ती करवाया है और पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है। जयपुर के रामगंज बाजार में स्थित होटल MM खान के कर्मचारियों के नशे में धुत युवक से मारपीट कर सड़क पर पटक दिया, जिसकी तेज गति कार की चपेट में आने से मौत हो गई। इस संबंध में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ASI हनुमान सहाय की ओर से MM खान होटल के मालिक व संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक शराब के नशे में था, जो बार बार होटल MM खान की तरफ आ रहा था। होटल कर्मचारियों ने उसके साथ बार बार मारपीट की और धक्का देकर रोड पर गिरा दिया, जिसके कारण वह कार की चपेट में आ गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.